ज्योतिष में 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। जातकों के जीवन पर ग्रहों का विशेष असर होता है। ग्रहों के गोचर से कई तरह के शुभ योगों का निर्माण समय समय पर होता रहता है, जिसका असर जातकों के जीवन पर रहता है। समय समय पर ग्रहों के गोचर से शुभ और त्रिग्रही योगों का निर्माण होता है। ऐसा ही कुछ योग बहुत ही जल्द बनने वाला है। आपको बता दें कि सुख और वैभव प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं सूर्य देव भी मेष राशि में हैं और 1 मई को देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, जिसके चलते मेष राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। त्रिग्रही योग के कारण कुछ राशि के जातकों के जीवन में तमाम तरह की खुशियां आने वाली हैं। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग अच्छा साबित होगा। यह योग आपकी राशि में लग्न भाव में बन रहा है, जिससे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह योग आपके आत्मविश्वास और करियर में वृद्धि करवाएगा। करियर कारोबार के लिहाज से मेष राशि में बना त्रिग्रही योग बहुत अच्छा साबित होगा। आपके सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, आय के स्रोत में वृद्धि देखने को मिलेगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले ज्यादा लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग बहुत ही अनुकूल साबित होगा। यह योग आपकी कुंडली के 10वें और 11वें भाव में बन रहा है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी जरूर होगी, करियर में अच्छी सफलता भी आपको मिलेगी, निवेश से अच्छा खासा धन लाभ होगा, आपको पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ बनने के भी इस बीच योग है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है। आपकी कुंडली में यह योग कर्म के भाव में बन रहा है। नौकरी पेशा वाले जातकों को नई नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, सेहत में भी सुधार होगा। आप अपना ध्यान रखें और भगवान की पूजा आराधना करते रहेंगे।